तो दोस्तों अगर किसी धागे को बड़े सख्ती से खींचा जाए तो वो धागा टूट जाता है, इसलिए कहते हैं कि उतनी खींचो जितनी जरूरत है। जैसे कि आप सबको पता है कि सनी देओल की फिल्म गदर 2 बहुत ही अच्छा कलेक्शन कर रहा है, लेकिन अब इसको लेकर सोशल मीडिया में कुछ लोग इसके कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये जो गदर 2 है इसने शाहरुख खान की फिल्म पठान को भी पीछे छोड़ दिया है कलेक्शन के मामले में। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि शाहरुख खान की फिल्म पठान ने बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन किया है, लेकिन अधिकतर फैंस कह रहे हैं कि जो कलेक्शन है वो फेक है, और गदर फैंस ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि शाहरुख खान की फिल्म पठान वो अपनी सही कलेक्शन के आंकड़े को छुपा रहे हैं। अब इस छोटी सी बात को लेकर फैंस भावनाओं में इतनी ज्यादा बह गए हैं कि लॉजिक गया तेल लेने। अब विश्वास नहीं करेंगे, बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इस टॉपिक पर कूद पड़े हैं। देखिए सच कहे तो 2023 में सबसे ज्यादा बेहतरीन कमाई करने वाली फिल्म और कोई नहीं बल्कि पठान ही है। सेकंड नंबर में अगर कोई आता है तो वो है द केरला स्टोरी। अब देखिए गदर फिल्म भी बहुत ही अच्छा कलेक्शन कर रहा है, शायद वो पठान को भी वो अपने कलेक्शन के मामले में पीछे छोड़ देंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। गदर 2 फिल्म जो है वो ब्लॉकबस्टर सुपरहिट हो चुका है और वो अपनी असल लागत को निकाल चुका है जो कि मात्र 80 करोड़ के बजट में बनी थी, और अब जो गदर 2 कमा रही है वो फिल्म मेकर्स की प्रॉफिट है। लेकिन एक चीज जो कि मानी पड़ेगी कि इस फिल्म को लेकर लोगों के मन में जो उत्साह है उसको देखकर खुशी होती है कि कई स्टेट से ये खबर आ रही है कि लोग इस फिल्म को देखने के लिए गाड़ी भर भर के जा रहे हैं, यहाँ तक कि कई राज्यों में सिनेमा हॉल हाउसफुल जा रहा है। इस फिल्म में कई सारी कमियां होने के बावजूद भी लो बजट को समझते हुए लोगों ने खूब प्यार दिया है। गदर 2 लोगों के लिए एक इमोशन बन चुका है, और साथ ही सनी देओल को यह बात समझनी चाहिए कि जनता को भी इस तरह की फिल्में अब पसंद आने लगी है, इसीलिए अपने आने वाली फिल्मों में कमियों को सुधारने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल तो शाहरुख खान और सनी देओल के बीच कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। शाहरुख खान बॉलीवुड के किंग खान है, जिनकी आने वाली फिल्म है जवान और डंकी, जिसका इंतजार दर्शक बहुत ही बेसब्री से कर रहे हैं। खैर आपको किसका इंतजार है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।